है गाइस, वेलकम टू साइका वॉर्नेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से एक एनजीओ के बारे में बात करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट है इसमें, काफ़ी बड़ा एनजीओ है और सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिली है, फ्रेशर सैलरी बने। सभी बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं किसी भी फील्ड के हैं, अप्लाई कर पाएंगे। रिटन एग्जाम नहीं होगा, ओनली आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका इसमें ऑनलाइन होने वाला है। तो बात करते हैं एनजीओस की। जो एनजीओ का नाम वो है आपका एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया। ये आपका एनजीओ है जो चार या पांच प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अभी पहला है आपका चाइल्ड राइट टू चाइल्डहुड, सेविंग टू अ फार्मर एंड द प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और ह्यूमिटेरियन रिस्पॉन्स ऑफ इमरजेंसीज। इन पर ये काम कर रहा है, तो इसके अंदर ही आपको जॉब मिलने वाली है। यहाँ पर देख लो, ये विलेज में भी काम करता है। फैमिली कितनी काम कर चुका है, चिल्ड्रन को कितने बेनिफिट दे चुका है, कितने वुमेन्स को बेनिफिट दे चुका है, उनको एज अ बिजनेसमैन बनाने के लिए, एज अ एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, तो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये एनजीओ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एनजीओ है और काफ़ी बड़ा एनजीओ है। यहाँ पर जिन लोगों ने काम करा है वो उनके बारे में अवार्ड एंड टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एनजीओ की। तो एनजीओ जो है ट्रस्टेड है, और अभी तक मैंने आपको सभी ट्रस्टेड एनजीओ बताए हैं। तो बात करते हैं वैकेंसीज की। तो मल्टीपल जो वैकेंसीज है, करंट ओपनिंग देख लेते हैं। देखो, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 4 सितंबर है, 4 सितंबर है, आज 1 सितंबर है, तो लास्ट क्या है 4 सितंबर। अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, दिक्कत मत लेना कोई भी। जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो रहेगी इसमें न्यू दिल्ली रहेगी। सैलरी जो आपके 5.5 लाख का CTC आपका इसमें है तकरीबन। नंबर ऑफ वैकेंसी कौन सी है, एक पोस्ट नाम क्या है, रिसर्च ऑफिसर। उसके बाद बात करते हैं अगली की, जो है आपका कंसल्टेंट है, रिसर्चर, पॉलिसी एंड रिसर्च यूनिट। जॉब लोकेशन इसकी भी लास्ट डेट 4 सितंबर है, 4 सितंबर, और इसमें सैलरी तकरीबन 3 लाख का CTC है इसमें। वैकेंसी इसमें भी एक है और इसकी भी जो जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है। तो पहले इन दो की बात कर लेते हैं, दो पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी बात करते हैं। तो उसके बाद एक पोस्ट और है सिटी हेड की, उसकी 15 सितंबर है, उसकी बाद में करेंगे, जो मुंबई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद की हैं। और इसमें सैलरी 35 से 40 हज़ार है, दो वैकेंसीज में है। जो ऊपर की पोस्ट है वो बड़ी पोस्ट है, सैलरी अच्छी है और फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल हैं। तो पहले बहुत जॉब की बात करते हैं, जो आपका रिसर्च ऑफिसर, पॉलिसी एंड रिसर्च यूनिट, ठीक है। यहाँ पर जॉब टाइटल है, लोकेशन आपकी कहाँ रहेगी। 1 ईयर का आपको फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1 ईयर का आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो एक्सटेंडेबल होगा। प्योरली ऑर्गेनाइजेशन वर्क रिक्वायरमेंट अगर रहेंगी, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, अगर प्रोजेक्ट को नीड रहेगी, तो 1 ईयर के बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो 1 ईयर तक आपको 6 लाख के करीब, 5.5 से 6 लाख के करीब CTC 1 ईयर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर डिटेल है ऑर्गेनाइजेशन किस पर काम करता है, ये आप देख लेना। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी आपको, रिसर्च की प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग का डाटा कलेक्शन करना है आपको, आपको लॉज एंड पॉलिसीज प्रोग्राम बनाना है, एनालाइजिंग करनी है, लिंकेज करना है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करना है, तो सब कुछ इसमें है। तो वो आप देख लीजिएगा, बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है। रिपोर्ट हेड पॉलिसी रिसर्च को रिपोर्ट करनी है, और आपको ट्रैवल भी इसमें करना पड़ेगा, ट्रैवल के लिए TA वगैरह मिलता है, ट्रेनिंग अलाउंस। क्वालिफिकेशन देखो क्या है, अगर आपने अपना MA या फिर MSc करिए सोशल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी आता है, हिस्ट्री, पोल साइंस, MA एजुकेशन, MA ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सोशल साइंसेज में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अपना MSW कराया तो भी अप्लाई कर पाओगे, MA सोशियोलॉजी अप्लाई कर पाओगे, MA पॉलिटिकल साइंस, डेवलपमेंट साइंस, पब्लिक पॉलिसी अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने मास्टर्स करा अपने पब्लिक हेल्थ में तो भी अप्लाई कर पाओगे, राइट। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बट आपको नॉलेज एंड नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके पास कहीं से हो, लाइक एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका इंटर्नशिप वगैरह भी काउंट होता है, ठीक है। आपने केस स्टडीज पर एक्सपेरिमेंट लिया हो, यानी कि आपने रिसर्च पर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और रिसर्च की आपका नॉलेज है, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, प्राइवेट सेकेंड डाटा, सर्वे क्या होता है, कंडक्टिंग कैसे करते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, प्राइवेट डाटा क्या होता है, इन सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, आपको जो भी डाटा एनालिसिंग टूल है वो थोड़ा चलाना आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो सीख लोगे इंटरव्यू में, जब सिलेक्शन आपको हो जाएगा और इंटरव्यू पर सीख लेना। बाकी एबिलिटी टू वर्क प्रेशर आप इसमें देख लीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें। सैलरी अप्रोक्स 5.5 लाख का CTC है, CTO है, कॉस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। बाकी आपको इन हैंड सैलरी भी 5.5 लाख के करीब CTC आपका इसमें रहेगा। साथ में आपके इसमें रहेगा PF एंड अदर बेनिफिट लाइक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा आपको, कवरेज इन स्टाफ डिपेंडेंस एंड ग्रेचुटी मिलेगी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और स्टाफ एंड ग्रेचुटी पेबल, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। काफ़ी बड़ा आपका NGO है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। अप्लाई कैसे करना है, आपको अपना ईमेल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन ईमेल फॉर्म भरना है, उसके बाद उसको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। जब ईमेल आईडी भेजोगे ईमेल में, तो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में लिख देना, प्लीज़ मेंशन इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ योर ईमेल इज द रिसर्च ऑफिसर, पॉलिसी एंड रिसर्च यूनिट। अब इसका कहाँ मिलेगा, लास्ट डेट क्या है, 4 सितंबर, और यह है इसका ऑनलाइन फॉर्म, सॉरी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको फिल करना है।
उसके बाद आपको इसे भेज देना है, और इस फॉर्म में आपको एक नोट भी डालना है, यानी लिखना भी है, कुछ दिखाता हूँ आपको मैं अभी। ये काइंडली गिव अ राइट अप इन नॉट मोर देन 300 वर्ड्स कि वट यू थिंक यू आर सुटेबल एट दिस पोजिशन। आप क्यों इस पोजिशन के लिए आप खुद को सुटेबल मानते हैं उसके बारे में आप 300 वर्ड लिखो। आपको पता होगा कि आप रिसर्च में भर रहे हैं, तो आपको रिसर्च की क्यों नॉलेज है, कहाँ रिसर्च यूज़ होगी, क्यों आपको अपने आपको सुटेबल मानते हो, तो उसके बारे में बता सकते हो। बात करते हैं अगले वैकेंसीज की, वो भी है कंसल्टेंट रिसर्चर की पोस्ट है पॉलिसी रिसर्च यूनिट में। जॉब लोकेशन नई दिल्ली रहेगी इसमें भी। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 4 से 5 मंथ का, ठीक है, सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 4 to 5 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट इसमें रहेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट की नीड होगी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो प्रोजेक्ट जो है आपका, आपकी जॉब जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्चर काम आपको करना है। कुल मिला के जो पहली पोस्ट थी वो ऑफिसर की थी, इसके बाद ये असिस्टेंट की पोस्ट है समझ लो इसे। इसमें अपने 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 पोस्ट ग्रेजुएशन कराओ सोशल साइंसेज में, वही बात साइकोलॉजी कराओ आपने, सोशोलॉजी कराओ आपने, पोल साइंस, एम एजुकेशन, एम ए इंग्लिश, एम इकोनॉमिक्स कराओ तो अप्लाई कर लेना, एम एस डब्ल्यू करा अप्लाई कर लेना, एम ए सोशोलॉजी अप्लाई कर सकते हो, एम ए पोल साइंस, डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए वही नॉर्मल इंटर्नशिप या कुछ भी कराओ, रिसर्च का आपको पता होना चाहिए। सैलरी इसमें जो आपके 2 लाख आपको मिलेगा, आपको 2 लाख यानी कि 4 महीने की जॉब है ना, तो 2 लाख आपको 4 महीने में मिलेगा। वो आप देख लें मंथली कितनी होगी। अप्लाई वैसे करना जैसे पहले मैं अप्लाई करा था, सब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करना है, यहाँ लिखना है कि आप क्यों अपने आपको इस जॉब के लिए सुटेबल मानते हो, और इस ईमेल आईडी पर 4 सितंबर तक भेज देना। जब भेजोगे लिख देना किस पोस्ट के लिए ईमेल कर रहे हो। लास्ट डेट इसकी भी 4 सितंबर रखी हुई है, ठीक है। तो चाहो तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, बोथ में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई क्वेरी होगी तो इस कमेंट में पूछ लेना। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर लेना। बाकी जल्दी मिलते हैं अच्छी वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए थैंक यू।